में अमर हो जाऊंगा। सज्जनों, नारद जी बोले अगर वो दोनों मर गए तो? बोले मार कैसे सकते हो? नारद ने कहा बेटा बड़े भोरे हो, अरे यमुना के बीच काला नाग रहता है और जहां काला नाग रहता है वहीं पर नील कमल के पुष्प हैं। एक चिट्ठी लिखो नंद बाबा के लिए और उस चिट्ठी में लिख दो कल शिव तेरस का दिन है, इस शिव तेरस के दिन के लिए भगवान भूतनाथ भोले बाबा की पूजा करनी है। नंद बाबा तुम मेरी बात मानो, मेरे लिए दो छवड़ियां नील कमल के पुष्प भिजवाओ। फूल लेने नहीं जाएगा कोई, और गया भी तो नाग उसे दस लेगा। और कृष्ण इतना हठीला है, चिट्ठी को पढ़ेगा, फूल लेने जाएगा और नाग खा लेगा और कृष्ण का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, बड़े दुख की बात, यशोदा मैया के आंगन में कृष्ण बड़े सुंदर भाव से पल रहे, संपूर्ण ब्रज के बड़े प्रसन्न, बड़ा सुख मिलता है कृष्ण को। कंस कहने लगा वाह, और महाराज फूल नहीं आए तो? तो नारद जी बोले राजा की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, इस जुर्म में नंद कृष्ण बलराम सबको कैद करवा लेना और जेल में डाल देना। कंस कहने लगा वाह, मंत्री को बुलाया, एक बड़ी सुंदर चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में सबसे पहले नंद बाबा को प्रणाम लिखा है। प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो नंद बाबा गोकुल के चिट्ठी में कि कल शिव तेरस का दिन है और महाराज कंस पूजा करेंगे, दो छबड़ियां नील कमल के फूल चाहिए। देरी किस बात की, चिट्ठी को दे दिया मंत्री के हाथ, मंत्री चला गोकुल। और चिट्ठी को लेके मंत्री जिस समय गोकुल चला, नंद बाबा आंगन में बैठे, नंद बाबा के हाथ में चिट्ठी को दिया गया है। चिट्ठी को पढ़ने के बाद नंद बाबा सर पकड़ के बैठ गए। यशोदा पूछने लगी बाबा कारण क्या है, कारण क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू? जवाब दिया यशोदा, अगर इन आंसुओं का कारण तुमने पूछा तो तुम भी रोने लगोगी। जवाब दिया नहीं नहीं, मैं पूछना चाहती हूं ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा कारण है जो तुम रो रहे हो? जवाब दिया नंद बाबा ने, चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी राजा कंस ने भेजी है। यशोदा बोली क्या? हाँ, कहाँ लिखो है चिट्ठी में? नंद बाबा बोले देवी यह चिट्ठी में लिखो है कि कल दो छवड़ियां नील कमल के फूल मथुरा आ जाने चाहिए। आहा, यशोदा का कलेजा फट गया। बाबा जहां फूल हैं वहां काला नाग है, इन फूलों को कौन तोड़ेगा और कौन पहुंचाएगा? आंखों में आंसू बह, रो रो करके यशोदा कृष्ण की मोहिनी मूरत को देखने लगी। सज्जनों,
यशोदा की आंखों से आंसू, समय आगे चलता चला गया। यशोदा आंगन में सुबह हुआ, कृष्ण उठे, उठकर के यशोदा मैया से बोले, मैया मुकुटो माखन रोटी दे दे। क्या लाला? माखन रोटी? हाँ मैया, आज तो मैं गैया चराए में जाऊंगा श्री दामा भैया के संग, और तू मोको माखन रोटी दे दे। यशोदा बोली, लाला आज तू मेरे हाथ की माखन रोटी और खा ले। ध्यान रखियो, आज के बाद कहीं तेरी मैया जेल में होगी, कहीं तेरे बाबा जेल में होंगे। कृष्ण को गुस्सा आ गया, ओ मैया किसकी किस्मत फूटी जो मेरी माखन रोटी छूटी। आहा, जवाब दिया लाला, तो को जो मालूम है कि दो छवड़िया नील कमल के फूल कंस ने मंगाए, और लाला जा दिन से तेरो जन्म भयो, बाद दिन से जा कंस को ना जाने कितनो बड़ो बैर भयो है, किसी ना किसी राक्षस को तोको मारवे को पठाए। लाला कहीं तेरे बाबा जेल में होंगे, कहीं